देखिए जो ये मोबाइल ऐप है और डेस्कटॉप वर्जन दोनों एनआरएससी में डेवलप हुए हैं, ठीक है। वो अभी जो एक्टिविटी प्लानिंग के बारे में जो आपको बताया गया था वो सिर्फ मोबाइल ऐप में नहीं है, वो एक्टिविटी प्लानिंग का है। मोबाइल ऐप में लाने के लिए अभी वहाँ पे उसको काम चल रहा है, ठीक है। और जिनको सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन से ही एसेट मैपिंग करनी है उनके लिए पहले सारा डेटा उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। जब आप डेस्कटॉप वर्जन ओपन करेंगे तो वो इस तरीके से आपको दिखेगा। ये वेबसाइट आप लोग देख लीजिए पूरा, ये पूरा वेबसाइट आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अपना रजिस्टर्ड करने के बाद पहले हम इस पे रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है, जैसे हम मोबाइल ऐप पे करते हैं, सेम प्रोसेस है। अगर आपका मोबाइल ऐप पे ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड है वही इसमें भी काम करेगा हम लोगों का, ओके। उसके बाद यूजर सर नेक्स्ट यूजर लॉगिन, आप लॉगिन करने के बाद यहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू होता है। हमारी जो मोबाइल ऐप है जितनी उसमें जितनी हमें कैटेगरी दी गई है मैपिंग करने के लिए, वो हमारी मेन तीन कैटेगरी हैं, ठीक है, सिविक एमिनिटीज, गवर्नमेंट सिविक। ये देखिए यहाँ पे ये मोबाइल ऐप भी ऊपर लिख के आ रहा है, यहीं से आप लोग मतलब ये डाउनलोड किया गया जो आप लोग मोबाइल में चल रहा है। नेक्स्ट हमारी जो मेजर कैटेगरी मतलब सारी की मेजर कैटेगरीज हैं, उसके बाद जब हम एप्लीकेशन पे जाएंगे, लेकिन हमारे पास पहले डेटा अवेलेबल होना चाहिए, या तो हम उसे जीपीएस के थ्रू कलेक्ट करके लाएं या हम अपने मोबाइल से भी कलेक्ट करके ला सकते हैं। जब आप सिंपल फोटो लेते हैं उसी टाइम अगर आप अपनी जीपीएस लोकेशन ऑन करेंगे तो आपके फोटो के साथ उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आ जाते हैं। तो इसपे मार्क करने इसपे आपको एसेट मैपिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होना विद फोटो, और उसकी सारी डिटेल्स आप वहां से या तो पेपर पे आप नोट करके लेके आइए या जैसे भी। तो जब आप इसपे मार्क करेंगे तो इसमें एक एसेट मैपिंग करके एक दिया हुआ है, तो उसमें आप जाएंगे एसेट मैपिंग में, उसी के अंदर हमारी सारी कैटेगरीज हैं। उस कैटेगरीज में जो भी आपको मार्क करना है, जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, तो आप हमारे पास इसमें सर्च का ऑप्शन होता है, हमें इसमें सब कैटेगरीज में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। तो हम सर्च में डालेंगे, अगर हमें स्कूल मैप करना है तो हमने डाला है स्कूल, उसमें फिर जो भी है प्राइमरी है अपर प्राइमरी है वो भी अपने आप इसमें ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आप सेलेक्ट करेंगे, देन आप उस पर वो लोकेशन मांगता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है सर। नेक्स्ट ये हमारी जो साइड में आप देख रहे हैं ये तीन हमारी मेजर कैटेगरीज हैं, इन सब के अंदर हमारी सब कैटेगरीज आती हैं। ऊपर सर्च का ऑप्शन है, आप वहां डालेंगे, ठीक है, या हैंडपंप है या पावर पोल है, जो भी आपको मार्क करना है, जो भी एसेट आपको मैप करना है वो आप इस पे लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा इस पे। तो नेक्स्ट, ठीक है, इसमें एक चीज और, इसमें क्या करना होता है कि जैसे मोबाइल मैप में हम क्या करते हैं, हम मोबाइल लेके गए और जिस एरिया में भी हमें मैपिंग करनी है हम उस एरिया में पहुंचे, हमने अपना ऐप ओपन किया, लोकेशन ली और हमने सीधा हम मैप कर देते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता। इसमें हमें क्या करना है, हम पहले हम अपना एरिया ओपन करते हैं इसमें, जिसमें हमें रिक्वेस्ट है थोड़ा सा स्लो बोले थोड़ा क्लियर हो जाएगा जी, ओके सर। इसमें हमें क्या करना होता है, पहले हम जिस एरिया में हमें मैपिंग करनी है पहले हम उस एरिया को ओपन करेंगे, और उस एरिया को ओपन करने के लिए भी इसमें प्रोसेस है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है एरिया के नाम से, ठीक है, आप उसमें जाएंगे तो वो उसमें आपसे सारी चीजें पूछेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मैप करना है, डिस्ट्रिक्ट के कौन से तहसील में, फिर कौन सा ब्लॉक में, उसके बाद कौन सी पंचायत में। तो आप जैसे डालते चले जाएंगे बाउंड्री ओपन हो जाएगी। मैंने एग्जांपल के लिए ये रायबरेली का एरिया जो लोकेट किया हुआ है, ग्रीन कलर की बाउंड्री आप देख रहे हैं, अभी हमने रायबरेली में कुछ मैपिंग की है मोबाइल ऐप से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एरिया ओपन होके आएगा, देन आप फिर जब आपको मैप करना है, जब आप एसेट डालेंगे तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए आएगा, देन आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाला, उसके बाद वो चूज फाइल के लिए आपको बोलेगा जिसमें आपको अपनी जो फोटो आप लेके आए हैं वो सेलेक्ट करनी है, देन आप अपलोड करेंगे।
और जो भी उसमें इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो सारी फिल करने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब आप इसके डेस्कटॉप वर्जन से कर सकते हैं अगर किसी के मोबाइल से नहीं हो रही है। और एक्टिविटी प्लानिंग का जो भी क्राइटेरिया है वो सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन से, अभी फिलहाल वो डेस्कटॉप वर्जन से हो सकता है, आगे के लिए अभी उस पर काम चल रहा है। तो अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ लें डेस्कटॉप वर्जन में, अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ लें। जी हाँ, प्रैक्टिकल अभी हम लोग कर रहे हैं, हैंड्स ऑन अभी होगा लंच के बाद, आफ्टर लंच 2 बजे के बाद, तो सबको बताया जाएगा ठीक है। उसमें हाँ, एक एक एसेट आपको जितना डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, आप उसको बाद में भी सेंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको वो तभी अपलोड करना है। और अगर जैसे बाय मिस्टेक आपको उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो आप उसको सेव लेटर कर दीजिए, अगर आपको बाद में अपलोड करना है तो आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन में फोटो आप 2 ले सकते हैं, तो ये सब अभी आपको बताया जाएगा लंच के बाद। हो गया सोनिया, अभी और बताना है? जी सर हो गया है। अगर ये दरअसल ये अभी आप लोग और क्लियर हो गए मोबाइल के बाद, ये दरअसल ये मोबाइल का एक वो अल्टरनेटिव है, ये मेनली एक्टिविटी प्लानिंग के लिए यूज होगा। एक्टिविटी प्लानिंग सबसे लास्ट है, तो हीना फोटो खींच रहा है उसे आपको सेंड करेंगे, उसकी कोई आईडी भी तो देंगे या अपने आप जनरेट होगी? बस वही हमें लग रहा है कि सीधे उसी में दिखा देंगे। हीना चलो, तो देखिए आप सब लोग स्क्रीन पे देखिए, बताओ तो कैसे क्लिक किए, भुवन ऐप जो आ गया था ना उस पे जो क्लिक किए, ये आप लोग यहाँ पे पहुंच गए सब लोग हैं, बस यहाँ लॉग इन करिए, देखिए बगल में जो लिख और DPRO इटावा वो पासवर्ड खुला हुआ है। ये देखिए आप सीधे मोबाइल पे ही कैसे क्या होता है, ये देखिए आप करो, स्कोर ETAW पासवर्ड डालेंगे, थोड़ा एरर दिखाता है लेकिन ये खुल जाएगा, इस तरह से ओपन होगा ये। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है फोन का लोकेशन GPS ऑन कर लेना है, आप लोगों को सेटिंग में होगा किसी किसी के, और कहीं बाहर भी होता है फोन में, वो फोन के स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन खुल रहे होंगे, मैप, एसेट्स, व्यू एसेट्स, सेंड और एग्जिट। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर ध्यान देना है, GPS है, इंटरनेट है, कंपास है, GPS ग्रीन होना चाहिए, इंटरनेट ग्रीन होना चाहिए, कंपास भी ग्रीन होना चाहिए, सबका हो रहा है ये? क्या प्रॉब्लम GPS में प्रॉब्लम है? जी लोकेशन आप लोग ऑन करिए पहले, ये हम लोग यहाँ बैठे हुए अंदर, इसके लिए भी GPS साइड ना आ रहा हो। देखिए कंपास के बारे में हम ना चिंता करें, कंपास क्या है, जायरो होता है, वो हाई एंड जो मोबाइल होते हैं उसमें कंपास लगे होते हैं अच्छे, कंपास मतलब दिशा, ये दिशा दिखाएगा कि आपका किस मोबाइल किस तरफ जा रहा है आ रहा है, अगर वो रेड भी रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। GPS और इंटरनेट ऑन होना चाहिए, इससे क्या होगा हमारी लोकेशनल एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। कंपास को नेगलेक्ट किया जा सकता है फिलहाल, अगर आपके में रेड है यानी वो नहीं आ रहा है ठीक है। चलिए अच्छा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप लोग, ये तो खुला ही है, आप लोग हेल्प में एक बार सब लोग क्लिक करके देख लीजिए। नमस्कार, मैं रागिनी सिन्हा आप सबका स्वागत करती हूँ। आपको मैं पहले हेल्प में बताऊंगी,
ये लेफ्ट साइड में हेल्प आ रहा हुआ देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें दी गई हैं जो आपको देखनी है ठीक है इसमें है लोकेशन एक्यूरेसी जैसा कि सलमान ने बताया है आप लोगों को जीपीएस इंटरनेट और कंपास ये तीनों चीज अवेलेबल होनी चाहिए एंड्रॉइड फोन में जिसमें जीपीएस और इंटरनेट ऑन होनी चाहिए कंपास किसी किसी मोबाइल में नहीं भी होता है बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट जीपीएस और इंटरनेट होना चाहिए ठीक है अब हम करेंगे इसके नीचे आ रहा हुआ पॉइंट लाइन पॉलीगन सलमान को लगाना भुवन पंचायत एसेट मैपिंग ऊपर वाला लोकेशन एक्यूरेसी स्क्रीन में देखिएगा आप लोग इसमें पॉइंट लाइन पॉलीगन ये तीन चीज दिए हुए हैं ठीक है पॉइंट होता है सिर्फ पॉइंट जनरेट करने के लिए अगर आपको किसी जगह का सिर्फ पॉइंट लेना है तो वो आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे लाइन रोड्स के लिए होता है अगर आपको रोड बनानी है तो लाइन लगाई लाइन में क्लिक करते हैं और पॉलीगन जैसे स्कूल है कोई और उसकी चारों तरफ हमें पॉलीगन बनाना है तो उसकी चारों साइड पॉइंट लेके वो पॉलीगन में आप कन्वर्ट करेंगे ठीक है उसके बाद कैप्चर पोजिशन इसमें जैसे ये छोटा सा लिखा हुआ है जीपीएस लोकेशन कैप्चर विथ 12 मीटर ऑफ एक्यूरेसी ठीक है लेकिन एक्यूरेसी हमारी 3 मीटर होनी चाहिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर इससे ज्यादा नहीं ठीक है अगर जैसे आपका जीपीएस ऑन है तो आपकी एक्यूरेसी उसमें अच्छे से आ जाएगी जैसे 3 मीटर आ गया आपका एक्यूरेसी तो आप एक फोटो नीचे दिया हुआ है वो आप क्लिक करेंगे तो आपका फोटो खिंचा जाएगा ठीक है उसके बाद हम बैक आएंगे अवेलेबल फॉर रैम मेमोरी ठीक है आपकी मेमोरी 200 MB रैम मेमोरी होनी चाहिए अगर नहीं है तो जंक फाइल आपके जो भी है वो आप उसमें डिलीट कर दीजिए हटा दीजिए मोबाइल क्लियर होना चाहिए ताकि आपकी फोटो सेव रहे फिर कंपास एक्यूरेसी कंपास आपकी अच्छी होनी चाहिए और 3 मीटर कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए इसके बाद आप फोटो लेंगे चुपके जाओ ठीक है टेक फोटो 1 और टेक फोटो 2 एक दूर से भी ले सकते हैं और दो एंगल में आप फोटो खींच सकते हैं अब है फोटो साइज सर पूछिए सर लैपटॉप उस पे ले लेता है जब आप फोटो खींचेंगे ना तो उसमें तुरंत ऑटोमेटिकली वो लैपटॉप ले लेगा मोबाइल इसीलिए क्या सर लोकेशन लिया जाता है ये सर ऊपर दिया हुआ है लोकेशन सर फोटो साइज सर जो 3 मीटर मैंने बताया है ना कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए जो आप लेंगे आप उसमें से फोटो लेंगे वो लोकेशन अपने आप ले लेता है लैटलॉग वो अपने आप ले लेगा ठीक है तो उसकी दिक्कत नहीं है और उसके बाद फोटो साइज हमारी लेस देन 1 मीटर 1 मेगापिक्सल होनी चाहिए ठीक है लेस देन 1 सर अब हम बताएंगे रजिस्ट्रेशन बताओ सर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जैसे आप मैंने पहले भी बताया था जीपीएस इंटरनेट और कंपास तीनों ऑन होने चाहिए ठीक है अच्छा सबका लॉगिन हो गया है ना ये बंद हो गया है किनका नहीं हुआ है हिना लॉगिन सलमान
कंपास, ठीक है, जीपीएस और नहीं तो अभी ऐसा करिए आप लोग 5 मिनट के बाहर घूम के आ जाइए, जीपीएस सिग्नल पकड़ा के होके आ रहे, यही किया जा सकता है। जो काम लंच में करना है वो अभी आप कर लीजिए। मेरे पास ये हम बता रहे हैं ना, ये आपका लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने शायद लोकेशन मोबाइल तो उनका ऑन ही नहीं था, इस कारण ये दिक्कत आ रही है कि इंडोर में लोकेशन ऑन रखिएगा, जीपीएस ऑन रखिएगा, वो पहले बाहर से जाके वो लोकेशन आप लोग, ये तीनों चीजों का पास तो कंपलसरी है, तीनों ग्रीन दिखनी चाहिए आपकी, आ जाएगी जिसका नहीं आ, क्योंकि जीपीएस आना लैपटॉप बहुत जरूरी होता है। जिन जिन लोगों का आ जाए ग्रीन हो जाए वो तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए ये हम लोग का क्योंकि लोकेशन ऑन रहता है इसलिए ऑन करते ही ये ग्रीन तीनों चीजें दिखा रहा है। ये मोबाइल पर भी कई बार डिपेंड करता है। प्लीज आप लोग एक बार बाहर, जिनका नहीं आ रहा है लोकेशन ग्रीन नहीं हो रहा है तो आप प्लीज बाहर जाके खड़े हो जाएगा। आप लोग चलिएगा, आप लोग घूमिए टहलिए मत, एक जगह खड़े रहिएगा जिससे सैटेलाइट पकड़ ले लोकेशन मोबाइल पर। ये आप लोग को हमारी टीम वो मदद करेगी। जाओ रागिनी, तुम भी जाओ, रागिनी, चंद्रशेखर, सलमान, ब्रिजेश, प्रेरणा, हो गया सर, हो गया इसमें आपका, हो गया नहीं, तो पहले किसका नहीं होगा दोबारा, नेटवर्क वाला नहीं बताता।